Hi, today we are going to learn syntax directed translation schemes and syntax directed definition. So compilation में क्या था, compilation में जो हमने high level language को आपने machine level language में convert किया था, तो इसमें lexical analysis में आपने token generate किए, syntax analysis में आपने abstract syntax tree generate किया था, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको सिमेंटिक्स एनालिसिस एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेशन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए आपको क्या टूल्स चाहिए? एक तो सिमेंटिक्स रूल्स चाहिए, वी नीड सम टूल्स। सो टूल्स में क्या है, जैसे सिमेंटिक रूल्स एंड सिमेंटिक एक्शन। एक तो रूल्स डिफाइन होगा और उस पर जो एक्शन परफॉर्म होगा। तो सिमेंटिक्स रूल्स known as syntax directed tree, directed definition, ठीक है। जो syntax tree generate होगा तो उस पर जो rules हम apply करेंगे, तो that is known as syntax directed definition। इसका एक example लेते हैं। For example, in case आपको मैंने एक production दिया e derive E1 प्लस टी, ठीक है, और मैंने आपसे कहा कि किसी एक्सप्रेशन के लिए आप उसका पोस्टफिक्स रूल्स डिफाइन करो। तो पोस्टफिक्स रूल, सिमेंटिक रूल आप क्या लिखोगे, सिमेंटिक रूल फॉर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स ट्रांसलेशन। उसके लिए आपने क्या लिखा कि ई डॉट कोड इज इक्वल टू E1 डॉट कोड कॉन्केटनेट, देखिए कॉन्केटनेट का सिंबल है, टी डॉट कोड कॉन्केटनेट प्लस, जो भी ऑपरेटर है वो लास्ट में जाएगा पोस्टफिक्स में और वेरिएबल्स जो है पहले आ जाएंगे। तो ये आपने रूल डिफाइन किया इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन के लिए। सो दैट इज सिंटेक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन, ठीक है। तो अगर इस रूल्स के अकॉर्डिंग आप कोई भी इसमें ट्री जनरेट करोगे तो उसका पोस्टफिक्स आप कन्वर्ट कर सकते हो। और सिमेंटिक एक्शन दैट इज आल्सो नोन एज सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। सो सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन क्या करता है कि उस रूल पे एक्शन परफॉर्म करना है। तो एक्शन क्या है कि जैसे ई डिराइव E1 प्लस टी था, तो इसमें हम जो है प्रिंट का एक्शन परफॉर्म करना है, तो हम इसमें प्रिंट मेंशन कर दे रहे हैं कर्ली ब्रेसेस में कि इन दोनों के वेरिएबल से जो फिर आप टर्मिनल जनरेट करोगे उसमें प्रिंट परफॉर्म करो। दैट इज सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिंटेक्स डायरेक्टेड डेफिनेशन, दैट इज ऑल्सो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर, और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर जिसमें आपको एट्रीब्यूट्स और रूल्स भी अटैच होंगे, ठीक है। तो सिंटेक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन, अगर SDD इन्वॉल्व्स ओनली सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स, ठीक है, अगर सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स ही केवल इन्वॉल्व रहेंगे तो वो क्या कहेंगे, एस एट्रीब्यूटेड SDD, ठीक है। तो अगर उसमें केवल सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स होंगे तो एस एट्रीब्यूटेड आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड डिफिनीशन रहेगा। और कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होता है, तो वी डिराइव वी यूनियन टी का क्लोजर, जिसमें वी इज अ वेरिएबल, टी इज अ टर्मिनल, एंड वी इज अ वेरिएबल दैट इज ऑल्सो नोन एज नॉन टर्मिनल, ठीक है। और सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन स्कीम क्या होगा, इट एम्बेड्स प्रोग्राम फ्रेगमेंट्स कॉल्ड सिमेंटिक एक्शन विद इन प्रोडक्शन बॉडी। तो ये सिमेंटिक एक्शन, जैसे इसमें प्लस का हमें एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो आपका सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं, तो एग्जाम्पल में
हम एक प्रोडक्शन मेंशन करते हैं। तो इस एग्जांपल में हमने ये प्रोडक्शन रूल लिखा है और इस प्रोडक्शन रूल के करस्पॉन्डिंग हमने सिंटैक्स डायरेक्टेड डिफिनेशन मेंशन किया है, सिमेंटिक रूल्स। सो सिमेंटिक रूल्स क्या कहता है, एल डॉट वैल्यू, जो इसकी एट्रीब्यूट वैल्यू होगी वो ई वैल्यू की जो वैल्यू होगी वही असाइन हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये रूल्स डिफाइन कर रखा है ईच प्रोडक्शन, जो भी आपका ग्रामर है। ठीक है, तो अब हम आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है कि आपको सिंटैक्स डायरेक्ट डिफिनीशन गिवेन है, उसका एनोटेटेड पार्स ट्री जनरेट करो फॉर 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 एन के लिए। तो एनोटेटेड पार्स ट्री क्या है कि अ पार्स ट्री शोइंग द वैल्यूज ऑफ इट्स एट्रीब्यूट इज कॉल्ड एनोटेटेड पार्स ट्री, दैट इज ऑल्सो नोन एज डेकोरेटेड पार्स ट्री। ठीक है, तो डेकोरेटेड पार्स ट्री क्या है, हमने क्या करते हैं, एच डी टी क्या करता है, एब्स्ट्रैक्ट। एच डी टी का फंक्शनैलिटी क्या है कि वो एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री को डेकोरेटेड एब्स्ट्रैक्ट सिंटेक्स ट्री में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। तो अब इसके लिए एनोटेटेड पार्स ट्री क्रिएट करना है, तो उसमें क्या होगा, जब ये एनोटेटेड पार्स ट्री आप क्रिएट करेंगे इस एक्सप्रेशन के लिए यूजिंग दीज रूल्स, दीज प्रोडक्शंस एंड दीज सिमेट्रिक रूल्स, तो आपको ये सिमेट्रिक रूल्स डायरेक्टेड पार्स ट्री में यूज करने हैं, तभी वो आपका एनोटेटेड पार्स ट्री क्रिएट करके होगा। तो इसमें जैसे एल डॉट वैल्यू, आपका स्टार्टिंग में एल डॉट वैल्यू था, ये डिराइव कर रहा है किसको, E डॉट वैल्यू और N को। ठीक है, और E डॉट वैल्यू अगर आपको डिराइव कर दें, E डॉट वैल्यू प्लस T डॉट वैल्यू ना, ये रूल से, और ये E डॉट वैल्यू डिराइव करें T डॉट वैल्यू को, और ये t डॉट वैल्यू डिराइव कर दे t डॉट वैल्यू मल्टीप्लीकेशन और f डॉट वैल्यू, और ये t डॉट वैल्यू से आप डिराइव करो f डॉट वैल्यू, और इस f डॉट वैल्यू से आप क्या डिराइव करो, डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू, और लेक्स वैल्यू आप क्या दो, यहां आपको पहले क्या देना है, 3, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाई 5 के लिए करना है, और इस f डॉट वैल्यू को क्या होगा, डिराइव करेगा डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू, और ये लेक्स वैल्यू क्या होगी, 5। तो ये जो है, ये डिजिट f डॉट वैल्यू, यहां देखो f डॉट वैल्यू डिजिट डॉट वैल्यू की जो वैल्यू है वही इसको असाइन हो जाएगी, तो यहां क्या असाइन हो जाएगी, 3। यहां इसको क्या असाइन हो जाएगा, 3, और यहां 5 था तो इसको क्या असाइन हो जाएगा, 5। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 5 इसको क्या असाइन हो जाएगा, 15। इसको क्या असाइन हो जाएगा, एज इट इज 15। ठीक है, अब यहां थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं, t डॉट वैल्यू डिराइव f डॉट वैल्यू, और f डॉट वैल्यू डिराइव डिजिट डॉट लेक्स वैल्यू। तो लेक्स वैल्यू क्या हमने दे दिया, 4, क्योंकि लास्ट में 4 है, तो ये 4 एज इट इज असाइन हो जाएगा इसको, 4 को, इसको भी असाइन हो जाएगा 4, 15 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 19, और ये इसको असाइन हो गया 19, तो अब आपका क्रिएट हो गया 19n। तो दिस इज एनोटेटेड पार्स ट्री फ्रॉम सिंटैक्स डायरेक्टेड डिफिनेशन। थैंक यू।